हेलो 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 हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। और आप बहुत दिनों हो गए यार, मैंने बहुत दिन से कोई भी हॉल नहीं किया है। और आपको तो पता ही है, हर एक बंदे का सिलेक्शन अलग होता है, हर एक बंदे की यूनिक, कुछ ना कुछ तो उसका यूनिक होता है। सो मैंने सोचा इतनी ज़्यादा सर्दी एकदम से पड़ रही, तो क्यों ना विंटर का हॉल कर लिया जाए। सो मैं आ गई हूँ विंटर का हॉल करने के लिए, और मैं आपको कुछ कुछ सिलेक्टिव चीज़ें दिखाने वाली हूँ जो कि मुझे अच्छी लग रही थी। सो मैं वही हॉल में लेके आई हूँ। सो आपको बता दूँ कि ये आजियो का भी कलेक्शन है और मीसो के भी कलेक्शन है, दोनों का मायन करके हैं। और जो स्टार्टिंग इसकी होगी, इसकी स्टार्टिंग होगी 237 से, एंड वो मैक्स जाएगा 1K तक, मतलब 1000 तक जाएगा इसके अंदर ही सारा का सारा हॉल। इतनी सस्ती अगर विंटर में आपको चीज़ें मिल रही, और यार इससे सस्ता आपको क्या चाहिए, आप ही बताएं। तो इतना सही मिल रहा है, और सिलेक्शन ना काफ़ी सिलेक्टिव है, काफ़ी अच्छा है, शायद आप लोगों को भी आई थिंक अच्छा लगने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या क्या मंगवाया था, किस चीज़ का मैं हॉल कर रही हूँ। सो सबसे पहला जो मेरा जो मैंने सबसे पहली चीज़ जो ऑर्डर की थी, वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो उसका जो ब्रांड नेम है वो परफ्यूम एक्स है। ये पफर जैकेट है, आपने बहुत सारे लोगों को पहने देखा होगा, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसका प्राइस आई थिंक 500 था या 600 था। सो इतने सही मिल गई थी, और लिटरली विंटर एकदम बहुत ज़्यादा सर्दी है उसके लिए ये परफेक्ट है। बैक से दिखा दूँ तो बैक से इस टाइप की है। सो आप ये जिम में या कहीं भी, या ऑफिस में कहीं भी पहन के जा सकते हो। सो काफ़ी प्यारी जैकेट है। सो ये थी, है ना, बहुत ही प्यारी लगी मुझे तो, लिटली बहुत अच्छी थी, और थोड़ी शॉर्ट है। सो आजकल ये शॉर्ट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है और अच्छी लगती है। सो फर्स्ट ये थी। सेकंड मैं दिखा दूँ, सेकंड मैंने मंगवाया था गैप का। गैप का आप बहुत सारे लोग, थोड़ा सा कॉस्टली होता है लेकिन जब आप पहनोगे तो एक अलग टाइप का लुक आता है, क्या है। सो ये था इसका। मैंने कलर, इसमें बहुत सारे अवेलेबल हैं लेकिन मैंने कुछ डिफरेंट कलर सेलेक्ट किया था क्योंकि मुझे डिफरेंट पहनना था इसलिए। सो आप अपने अकॉर्डिंग कलर देख लेना इसमें, और ये काफ़ी प्यारा लग रहा था। और इसमें ये देखो, इसमें लोगो बना हुआ, इसका साइज M था, और इसके जो बैक में देख रहे हो, बैक में थोड़ा सा बस ये इस टाइप से डिज़ाइन थे, बट कलर बहुत ही प्यारा है। और हाँ, ये बुलन भी है जो विंटर में काम करेगा। सो स्वेट शर्ट टाइप की है, बट काफ़ी प्यारी लग रही है, कलर भी समझ में आ गया होगा। सो सेकंड मेरा ये था। अभी मैं दिखा दूँ थर्ड मेरा क्या था। थर्ड मेरा था रियो का, जो ब्रांड नेम है वो रियो है, और एक टाइपोग्राफी टाइप की जैकेट है जो काफ़ी यूनिक है, डिसेंट सी है। इस टाइप के भी आप पैटर्न में बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों को पहने देख रहे होंगे। आजकल ये चल भी रहा है, ट्रेंड में हर जगह चल रहा है। सो मुझे ये आजियो पे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि ये क्रीमिस था, तो क्रीम वाले मतलब लाइट कलर वैसे ही आँखों को अट्रैक्ट करते हैं और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। सो ये था। और इसकी जो स्लीव्स बता दूँ, उसमें थोड़ी सी ये डिफरेंट टाइप की ऐसी बनी हुई है, और इसमें बस टाइपोग्राफी थोड़ा सा ये बस लोगो है, और बाकी ये बहुत ही बड़ा, बहुत कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है और अच्छा है। बैग दिखा दूँ तो बैग ऐसा है, इसमें चैन है जो आप ओपन कर सकते हो, ओपन भी पहनना हो, बंद पहनना हो, जैसे आपकी मर्जी। भी एक रियो की जैकेट थी जो पफर में ही थी, वो मैं आपको दिखा दूँ। वो डिफरेंट कलर में थी क्योंकि आजकल ना पफर वाली जैकेट बहुत ज़्यादा चल रही है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, और पर्सनली मुझे भी वो है ये। इसका कलर थोड़ा सा हटके है, इसमें बहुत सारे कलर थे बट मेरे को ये पहनना था, सो मैंने ये ऑर्डर किया था। और ये काफ़ी गर्म है और काफ़ी मोटी है, मतलब सर्दी नहीं लगने वाली। सो ये थी। और इसकी स्लीव्स कुछ ऐसे हैं, और अगर फ्रंट से दिखाऊँ तो फ्रंट से इसमें फ्रंट से ये ऐसे है, तो काफ़ी अच्छी और शॉर्ट है। सो आप आराम से पहन के कहीं भी जा सकते हो, दो पॉकेट हैं इसमें। सो ये आजकल ये वाली जैकेट बहुत ज़्यादा चल रही है, ये मुझे सही अमाउंट में आजियो पे मिल गई थी, तो मैंने कहा इनको हॉल में ज़रूर दिखाना है। सो ये थी। अभी मैं अब मीशो का कलेक्शन आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने मीशो से भी कुछ कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, मीशो से थोड़े मैंने सारी स्वेट साइड की थी और एक हुडी की थी। सो आपको फर्स्ट दिखाने वाली हूँ, मैंने ये स्वेट साइड की थी जो कि इसमें कलर बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे। आप जब मीशो पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे इस प्रोडक्ट को देखेंगे, बहुत सारे कलर मिलेंगे। और ये पता कितने का आया था, 237 से का आया था ये, और इसका कपड़ा भी अच्छा है, और ये देखने में भी पहनने में भी काफ़ी प्रोडक्ट। और मैंने ना साइज़ M मंगवाया था, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना,
एम थोड़ा सा टाइट हो रहा है, अगर थोड़ा सा हेल्दी हो ना तो एम मंगवाना, जो कि मैं बता रही हूँ थोड़ा सा बड़ा ही साइज मंगवाना, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो ये था। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखा दूँ जो कि है ट्रेंडी स्टाइलिश यूनिसेक्स, मतलब कि दोनों लोग पहन सकते, चाहे मैन पहने चाहे वुमेन पहने, वो दोनों लोगों के लिए बेस्ट है। सो मैंने कलर जो भी सिलेक्ट किए थे वो अच्छे लग रहे हैं ना, काफ़ी अच्छे थे। सो ये आप दोनों लोग पहन सकते हैं, कोई वो नहीं है कि वुमेन ही पहने मैं नहीं पहने। सो ये थी, ये टाइपोग्राफी है थोड़ी सी। सो बस, और दो कलर में है, सो काफ़ी प्यारी लग रही है। पीछे से देखोगे तो पीछे से इस टाइप की है, और आगे से देखोगे तो स्लीव्स फुल है। सो ये काफ़ी बेहतरीन है, और इसका फैब्रिक भी अच्छा है। सो ये था नेक्स्ट वन। एक मेरा लास्ट और था जो कि मैंने, वो भी स्वेट साइड है। सो मैंने ये मंगवाई थी, तो ये भी डिफरेंट लग रही है, इसमें भी बहुत सारे कलर हैं जो कि आप देख सकते हो और मंगा भी सकते हो। सो बस मेरा कलेक्शन यही था, और आप लोग एक बारी देख लेना सर, आपके ऊपर भी अच्छा लगे, और इतना सही अमाउंट में आपको जैकेट भी मिल जा रही है। सो देख लेना, और अगर पसंद आ जाए तो ऑर्डर कर लेना, नहीं आ जाए तो स्क्रॉल करके अपने लिए अपने टाइप से देख लेना। और हाँ, मेरा साइज एम है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी साइज हो, एस एक्सल एक्सएल जो भी साइज हो वो ऑर्डर कर लेना। और हाँ, मेरा पूरा ब्लॉग देख लेना। बाय बाय, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी जल्दी। बाय बाय।